ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने गेट लाइव लेक्चर, लाइव फ्री क्लासेस का फर्स्ट लेक्चर। इसमें हम आज जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बेसिकली हमने कुछ सब चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। दैट इज फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन, देन फंक्शनल डिपेंडेंसी, एंड नॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट मूव टू सेकेंड चैप्टर दैट इज इंडेक्सिंग। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेरी लैंग्वेज एंड नेक्स्ट इज ईआर मॉडल। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्स्ट चैप्टर है इन जनरल 2 to 3 marks फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर एंड फ्रॉम इंडेक्सिंग 1 to 2 marks इन जनरल। देन इन ट्रांजेक्शन अगेन 2 to 3 marks क्वेश्चन एंड फ्रॉम क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ डीबीएमएस एंड इन दिस वी हैव 3 to 4 marks अप्रोक्सीमेट 2 questions एवरी ईयर एंड अगेन फ्रॉम द ईआर डायग्राम अगेन 1 to 2 marks। सो ओवरऑल दिस सब्जेक्ट हैज स्कोर ऑफ 8 to 10 marks इन जनरल। सो जो बुक्स हमें फॉलो करनी है दैट इज फर्स्ट वन कोर्थ स्टैंडर्ड बुक्स, सेकेंड नवाथे, थर्ड वन इज रामाकृष्णन, एंड नेक्स्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर ईआर फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉर्मलाइजेशन इज एस सुमाथी। ओके, सो स्टार्ट विद अवर सब्जेक्ट डीबीएमएस। उससे पहले हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट गेट एग्जाम। मोस्ट प्रोबेबली दिस ईयर गेट एग्जाम हो सकता है मार्च के लिए पोस्टपोन हो जाए। ओके, एंड आपको इस चैनल पे रेगुलर वीडियोस, रेगुलर लाइव वीडियोस जिसमें हम जो टारगेट रहेगा हमारा दैट इज एंड ऑफ नवंबर तक हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो इन जनरल टेस्ट रहेंगे उसका हम शेड्यूल डिसाइड कर लेंगे कि कौन से दिन, लाइक संडे, और आफ्टर कंप्लीटिंग 1/3 ऑफ ईच सब्जेक्ट हम टेस्ट लेंगे उसमें। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्विजेस, आपको पीडीएफ नोट्स, आपके असाइनमेंट्स रहेंगे। ओके, सो आपको टेलीग्राम का लिंक हमने मेल कर दिया है, आप उसे ज्वाइन करें। सब्जेक्ट वाइज नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन करें। नेक्स्ट द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट हम अपने YouTube चैनल पे अपलोड करेंगे। और आपको कोई भी डाउट हो हम आपको पर्सनल WhatsApp ग्रुप और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे रिप्लाई होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो हमारा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया जाएगा, उस पे आप कभी भी किसी भी टाइम जब भी
इवन दो इन द नाइट आल्सो आप हमें कॉल करें, और कोई भी डाउट हो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि जो सिलेबस होगा वो कंप्लीट हम टारगेट करेंगे कि नवंबर एंड तक हमारा कंप्लीट हो जाए। सेकेंड थिंग टाइमिंग, टाइमिंग का इन जनरल हम मॉर्निंग में रखेंगे, बट अगर स्टिल आपको कुछ इश्यूज हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं फॉर द टाइमिंग। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग इज हम बात करते हैं गेट की। मैं आपको ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि अगर आपने कंप्लीट लाइव लेक्चर्स जो भी हमारी क्विज हैं, जो भी हमारी टेस्ट्स हैं, ये सब कुछ आपको फ्री मिलने वाला है, आपको कुछ भी पे नहीं करना। जो भी असाइनमेंट्स हैं अगर आप कंप्लीट करते हो तो ये हमारी टीम की तरफ से, सब्जेक्ट वाइज टीम की तरफ से एश्योरेंस है आपको कि कन्फर्म आपका गेट क्वालिफाई होगा। फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट डाउट जो रहता है बच्चों को कि सर क्वालिफाई होने पे हमें क्या मिलेगा। रिसेंटली हम स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कर रहे हैं और उसके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आप जस्ट क्वालिफाई से 5 और 10 मार्क्स भी अबव लेके आ जाते हैं, 5 और 10 मार्क्स भी, तो मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट आपको 4 PhD, MS और MTech प्रोग्राम से किसी न किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से कॉल आने ही वाला है। दैट इज द एश्योरेंस फ्रॉम माई साइड। ओके, नेक्स्ट, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर आपका गेट स्कोर लो है फिर भी आपको PhD के लिए कॉल आ सकता है, फॉर डायरेक्ट PhD। ओके, बिकॉज अभी पिछले 1 या 2 साल से CSE में बहुत सारी ब्रांचेज ओपन हो चुकी है, लाइक CSE, AI, ML, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसके अलावा कुछ इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस भी है मोस्टली हर एक IITs में, जिसमें डायरेक्ट CSE के स्टूडेंट अपीयर कर सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, अपने MS और PhD के लिए आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी होगी आफ्टर गेट, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, लाइक ML, AI, डेटा साइंस, एनालिटिक्स, कुछ भी, एल्गोरिथम, डेटाबेस, राइट। तो ये मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ कि एक बार अगर आपने गेट क्वालिफाई कर लिया तो 101% आपको किसी न किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से कॉल आने वाला है, राइट। नेक्स्ट, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको एक कमिटमेंट करनी है कि आप जो भी लाइव लेक्चर्स होंगे एक भी लाइव लेक्चर्स को आप मिस नहीं करोगे। एंड आफ्टर गेट एग्जाम वी विल कन्फर्म सपोर्ट यू फॉर द काउंसलिंग। ओके, फॉर काउंसलिंग सेशन दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट चैप्टर DBMS, फर्स्ट सब्जेक्ट DBMS। ओके, और जो आपका जो डाउट है कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, तो आप क्या करें, पहले लेक्चर कंप्लीट देखें, लेक्चर इज अप्रोक्सीमेटली 1 और 1 आवर 15 मिनट्स। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन कौन से नोट्स आपको नोट डाउन करने हैं, और आफ्टर कंप्लीट द वीडियो आप घर आप आराम से बाद में इसको देख के और अपने नोट्स बना लें, और जो आपको PDF है वो प्रोवाइड हो जाएगी नोट्स की, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, राइट। बट जितना भी सिलेबस हम अभी आज कर रहे हैं, आज जो लेक्चर कर रहे हैं, आप क्या करें कि देखते जाएं, कुछ भी ना लिखें, समझते जाएं, कोई भी डाउट आ रहा है आप लाइव चैट में पूछ सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं DBMS। DBMS को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट टॉपिक इज डेटाबेस। व्हाट इज डेटाबेस? बेसिकली डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। अब व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटेड डेटा? बेसिकली रिलेटेड डेटा मीन्स नोन फैक्ट, मीन्स नोन फैक्ट्स दैट कैन बी रिकॉर्डेड, नोन फैक्ट्स दैट कैन बी रिकॉर्डेड एंड हैव इम्प्लिसिट मीनिंग, एंड हैव इम्प्लिसिट मीनिंग। इट मीन्स
सपोज करो कोई मुझे डेटाबेस बनाना है फॉर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का जो मैं डेटाबेस बनाऊंगा उसमें जो भी इंफॉर्मेशन रखूंगा उसकी कुछ मीनिंग होगा, लाइक उसका रोल नंबर जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, उसका नेम जो उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होगी, राइट। सो डीप डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटेड डेटा? द नोन फैक्ट्स दैट कैन बी रिकॉर्डेड एंड हैव इम्प्लिसिट मीनिंग, राइट। नेक्स्ट मूव टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इज DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच इज यूज टू मैनेज, विच इज यूज टू मैनेज मैनेज मीन्स इंसर्ट डिलीट एंड अपडेट एंड एक्सेस द डेटाबेस एफिशियंटली। ओके, इट मीन्स द प्राइमरी गोल ऑफ डेटाबेस इज, इट मीन्स द प्राइमरी गोल ऑफ DBMS इज टू प्रोवाइड अ वे, टू प्रोवाइड अ वे टू स्टोर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन दैट इज एफिशियंट एंड कन्वीनियंट। राइट, सो व्हाट इज डेटाबेस? इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। एंड व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच इज यूज टू मैनेज, मैनेज मीन्स इंसर्ट डिलीट और अपडेट एंड एक्सेस द डेटाबेस एफिशियंटली। ओके, सो बिफोर डेटाबेस वी हैव सम फाइल सिस्टम, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। सो बिफोर डेटाबेस वी हैव फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ OS, विद द हेल्प ऑफ OS। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आने से पहले हमारे पास डेटाबेस तो था, बट हम उसे कैसे रिट्राइव करते थे या कैसे इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर करवाते थे, रिट्राइव करते थे, दैट इज विद द हेल्प ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ प्रोफाइल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। ओके, इन जनरल हमें पता है कि डेली लाइफ में हम बहुत सारे डेटाबेस से रिलेट करते हैं। अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, बैंकिंग में कुछ डिपॉजिट करवाना हो, क्रेडिट करना हो, कोई भी ऑनलाइन आपको टिकट बुकिंग की हो, तो इन जनरल हम बहुत सारे डेटाबेस से रिलेट करते हैं। तो डेटाबेस हमारे पास पहले भी था, बट क्या प्रॉब्लम थी कि हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे आना पड़ा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पहले हम डेटाबेस को कंट्रोल करते थे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम से। ओके, सो इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम वी आर कीपिंग द इंफॉर्मेशन इन OS फाइल, इन ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल। DBMS से पहले जो भी हमारी इंफॉर्मेशन थी हम उसे ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल में रखते थे, और
इन फाइल्स को मैनुपलेट करने के लिए, टू मैनुपलेट, मैनुपलेट मीन्स अगेन रिट्राइव, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, टू मैनुपलेट द इंफॉर्मेशन, सिस्टम हैज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस प्रोग्राम, सिस्टम्स हैज नंबर ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब व्हाट डू वी मीन बाय एप्लीकेशन प्रोग्राम? बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन। एप्लीकेशन प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स पर्टिकुलर फंक्शन लाइक ईमेल और ब्राउजर। ब्राउजर से हम कोई भी चीज़ गूगल फाइंड आउट कर सकते हैं। मीडिया प्लेयर, ऑडियो और वीडियो प्ले करने के लिए। तो ये एक फंक्शनैलिटी है, ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसका ये काम है, राइट? तो हम मैनिपुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन को, हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस प्रोग्राम थे एंड जो भी सिस्टम प्रोग्रामर था, जो भी सिस्टम प्रोग्रामर थे उस टाइम, उनका काम था डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को लिखना जिससे हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। इट मींस सिस्टम प्रोग्रामर राइट द डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम टू मीट आवर रिक्वायरमेंट। एंड जब भी मुझे किसी और फंक्शनैलिटी की ज़रूरत पड़ी तो मैंने अपने न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम को राइट किया और अपने सिस्टम में ऐड किया, ओके? बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी? फाइल सिस्टम में। इट मींस फाइल सिस्टम कैसे वर्क करती थी? फाइल सिस्टम में हम एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखते थे, जो भी हमें फंक्शनैलिटी चाहिए उस फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग हम अपना एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखते थे। बट प्रॉब्लम क्या थी फाइल सिस्टम में जिससे हमें DBMS पे आना पड़ा? तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज, सो डिसएडवांटेज इज, फर्स्ट डेटा रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी मीन्स व्हाट? सपोज करो एक स्टूडेंट है, उसने दो कोर्सेज में एनरोल कर रखा है, टू कोर्सेज में उसने एनरोल कर रखा है। फर्स्ट वन इज CS एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। तो फाइल सिस्टम में क्या था, CS डिपार्टमेंट में जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल है उनकी एक अलग फाइल थी और AI डिपार्टमेंट में जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल हैं, सपोज करो उनकी एक अलग फाइल है, ओके? बट अगर एक स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट S1 इन दोनों कोर्सेज में एनरोल है तो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन CS फाइल में भी है और AI फाइल में भी है। तो सेम इंफॉर्मेशन मैंने सेम टाइप के रिलेशन में डिफरेंट या मोर देन वन टाइम्स रखी हुई है। इट मींस डेटा रिडंडेंसी का कंसेप्ट है। उससे प्रॉब्लम क्या आएगा? प्रॉब्लम जो आएगी रिडंडेंसी की वजह से, दैट इज इनकंसिस्टेंसी। मीन्स अगर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है, लाइक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मीन्स मान लो स्टूडेंट S1 है, उसका जो रोल, उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है मुझे अपडेट करना है, और कौन से स्टूडेंट का जो CSE में है, तो स्टूडेंट S1 का CSE फाइल में तो अपडेट हो जाएगा बट AI में नहीं हो पाएगा। तो इससे जो प्रॉब्लम आएगी, दैट इज डेटा इनकंसिस्टेंसी, ओके? सेकेंड प्रॉब्लम इज डेटा आइसोलेशन। सेकेंड प्रॉब्लम इज डेटा आइसोलेशन। डेटा आइसोलेशन मीन्स, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो भी डेटा है हमारा स्कैटर्ड है डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में, बिकॉज डेटा इज स्कैटर्ड इन डिफरेंट फाइल्स। एंड फॉर्मेट ऑफ फाइल, एंड फॉर्मेट ऑफ फाइल मे बी डिफरेंट,
एंड फॉर्मेट ऑफ फाइल मे बी डिफरेंट। सो अगर मुझे यहाँ रिट्राइव करना है डेटा, अगर मुझे कोई भी डेटा फाइल में रिट्राइव करना है, तो मुझे एक नया एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, क्योंकि फाइल्स का जो फॉर्मेट है फर्स्ट थिंग वो डिफरेंट है, और जो फाइल है या जो डेटा है वो अलग डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में स्कैटर्ड है या रखा हुआ है। तो राइटिंग न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम इज डिफिकल्ट। सो राइटिंग न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम इज डिफिकल्ट इन सच केस। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मीन्स अगर मैं कोई भी इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर रहा हूं, या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, या कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, या तो उसके सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हों या एक भी ना हो, तो फाइल सिस्टम में एटॉमिसिटी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। सपोज करो मुझे कोई भी डेटा को रिट्राइव करना है, तो उसे मुझे मेन मेमोरी में लेके आना होगा। मैंने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए, और इन बिटवीन कुछ ड्यू टू सम फेलियर में भी हार्डवेयर क्रैश, सॉफ्टवेयर क्रैश और एनीथिंग। ओके, तो उस केस में फाइल सिस्टम में एटॉमिसिटी को परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट था। एक ये भी रीजन था, क्योंकि जो मेरा डेटा था वो डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में स्टोर था, तो एट ए टाइम हर एक जगह अपडेट करना, मेरे लिए मुश्किल था हमारे डीबी में इन फाइल सिस्टम। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन एक्सेस द डेटा। सपोज करो फाइल सिस्टम में मैंने एक एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाया जिसकी फंक्शनैलिटी है रिट्राइव द लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, बट सपोज करो जो मुझे रिट्राइव करवाना है, मुझे जो इंफॉर्मेशन रिट्राइव करवानी है, दैट इज स्टूडेंट हु स्कोर अबव 90% एंड ही इज फ्रॉम सी एस सी डिपार्टमेंट। तो उस इस टाइप की क्वेरीज के लिए या तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि एक न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखूँ, या फिर सबसे पहले मैं कंप्लीट और आई कैन से सभी स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर लूँ, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड देन मैनुअली सेलेक्ट करूँ कि कौन कौन से वो स्टूडेंट हैं सीएससी डिपार्टमेंट्स में जिन्होंने 90% अबव स्कोर किया है। ओके, या फिर एक न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम लिख लो। बट इस केस में प्रॉब्लम क्या है, सपोज करो नेक्स्ट जो आपकी क्वेरी है वो ये है कि मुझे एआई डिपार्टमेंट में 60% अबव मार्क्स वाली स्टूडेंट को रिट्राइव करना है, तो अगेन द प्रॉब्लम इज न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखना पड़ेगा आपको हर बार, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कॉन्करेंसी। हमें पता है कि जो हमारा डेटा है, हो सकता है बहुत सारे यूजर या बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस प्रोग्राम सेम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करें। उस टाइम पे फाइल सिस्टम में सिंक्रोनाइज करना बहुत मुश्किल था। और ये सब चीज़ें आप ओएस में रीड करोगे क्यों मुश्किल होता है सिंक्रोनाइज करना, और अगर मैं कॉन्करेंसी ना प्रोवाइड करा पाऊँ तो प्रॉब्लम क्या होगी। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स फाइल सिस्टम में ऐसी कोई फंक्शनैलिटी नहीं थी
कि मैं डिफरेंट यूजर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा पाऊँ। लाइक अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी डेटाबेस की, यूनिवर्सिटी डेटाबेस में जो बेसिक टेबल्स रहती है दैट इज स्टूडेंट या एंटिटी रहती है दैट इज स्टूडेंट स्टाफ एंड एडमिन। बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी, अगर आपको फाइल सिस्टम में फाइल का पासवर्ड पता है तो उस केस में एक स्टूडेंट स्टाफ और एडमिन तीनों उस फाइल को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इट मीन्स मुझे पता है कि अगर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो सिर्फ एडमिन से रिलेटेड है तो मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी कि मेरा स्टूडेंट या इस यूनिवर्सिटी का कोई भी स्टूडेंट उस पर्सनल इंफॉर्मेशन को रिट्राइव ना कर पाए। बट अगर स्टूडेंट के पास ये पासवर्ड है इस फाइल का तो वो इजीली एक्सेस कर सकता है। इट मीन्स जो सिक्योरिटी थी वो हाई लेवल सिक्योरिटी नहीं थी। अगर आपको पासवर्ड पता है तो हर कोई उस फाइल को रिट्राइव कर सकता है और उसमें इंफॉर्मेशन को अपडेट डिलीट कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता है और डिलीट कर सकता है, राइट? सो दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स दैट इज डेटा रिडंडेंसी, डेटा आइसोलेशन, एटोमिसिटी, डिफिकल्टी इन एक्सेस द डेटा, कॉन्कुरेंसी एंड सिक्योरिटी। ओके, सो वन बाय वन हम इनको थोड़ा और रीड करते हैं। फाइल सिस्टम में क्या था, फाइल सिस्टम में क्या था, सपोज करो ये एक मेरे पास एक फाइल है, सपोज ये एक मेरे पास एक डीबी है यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी का एक डेटाबेस है। इसमें मुझे रिट्राइव करना है स्टूडेंट हुज स्कोर अबव 90%। तो फाइल सिस्टम में इस डेटा को रिट्राइव करने के लिए मुझे इस फाइल की फिजिकल डिटेल, मुझे इस फाइल की फिजिकल डिटेल और आई कैन से स्टोरेज डिटेल और लो लेवल डिटेल, और लो लेवल डिटेल की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देन व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल डिटेल, स्टोरेज डिटेल और लो लेवल डिटेल? मीन्स व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल, नेम ऑफ फाइल, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ फाइल, व्हाट इज द टाइप ऑफ फाइल, व्हाट इज द परमिशन, विच टाइप ऑफ परमिशन इज गिवन, सो ऑल दीज इंफॉर्मेशन। सो ये सभी इंफॉर्मेशन मुझे पता होनी चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या थी, जैसे जैसे नंबर ऑफ फाइल्स इंक्रीज होती गई, जैसे जैसे नंबर ऑफ डेटा और नंबर ऑफ फाइल्स इंक्रीज होती गई, इस मैनुअली इन सब चीज़ों को याद रखना डिफिकल्ट था मेरे लिए कि मेरी फाइल कहाँ रखी हुई है, उसकी कौन सी लोकेशंस है, उसकी फॉर्मेट क्या है, उसका टाइप क्या है। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए जो डीबीएमएस ने कंसेप्ट यूज़ किया, जो डीबीएमएस ने कंसेप्ट यूज़ किया दैट इज डेटा इनडिपेंडेंसी, दैट इज डेटा इन डिपेंडेंसी। ओके, इन डेटा डिपेंड, इन डिपेंडेंसी, इन डेटा इन डिपेंडेंसी यूजर कैन एक्सेस द डेटा विदाउट नोइंग, विदाउट नोइंग फिजिकल डिटेल। और ये हम कैसे कर सकते हैं, आपने अगर आपको कुछ बेसिक्स आइडिया है सीक्वल का, एसक्यूएल का, उसमें हम जो क्वेरी लिखते हैं दैट इज सेलेक्ट स्टार, जो भी है मुझे इंफॉर्मेशन रिट्राइव करवानी है फ्रॉम
नेम ऑफ द टेबल दैट इज स्टूडेंट, वेयर मार्क्स आर ग्रेटर देन 90%। ओके, तो इस केस में मुझे एक यूजर को ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि उस फाइल की लोकेशन क्या है, नेम क्या है, टाइप क्या है और परमिशंस क्या है उस टाइप की। उसे बस डायरेक्ट अपनी क्वेरी लिखनी है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये काम कर देगा, ये इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करेगा। सो जैसे जैसे फाइल्स ग्रो हुई, हमारा डेटाबेस ने ग्रो किया, तो यूजर के लिए हर एक फाइल की लोकेशन, उसका टाइप, उसकी परमिशन, उसकी सिक्योरिटी या ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और फिजिकल डिटेल इन्फॉर्मेशन को याद रखना मुश्किल था। तो यही काम DBMS ने विद द हेल्प ऑफ डेटा इंडिपेंडेंसी किया। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट इज IO कॉस्ट, इनपुट आउटपुट कॉस्ट, IO कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू वैन नूमैन आर्किटेक्चर, अकॉर्डिंग टू वैन नूमैन आर्किटेक्चर, जब भी सीपीयू को कोई फाइल एक्सेस करनी है तो दैट फाइल और दैट इंफॉर्मेशन शुड बी इन मेन मेमोरी। और इन जनरल जो मेरा डेटाबेस है वो कहाँ है, सेकेंडरी मेमोरी में। ओके, तो सीपीयू को अगर कोई डेटा चाहिए तो वो कहाँ होना चाहिए, मेन मेमोरी में। कहाँ होना चाहिए, मेन मेमोरी में, क्योंकि सीपीयू डायरेक्ट इंटरेक्ट किससे करता है, मेन मेमोरी से। और मुझे डेटा कहाँ लेके आना है, सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू वन नूमैन आर्किटेक्चर द डेटा ट्रांसफर फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी इज इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। ओके, सपोज करो ये मेरी सेकेंडरी मेमोरी है, दिस इज माई सेकेंडरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इज डिवाइड इंटू डिफरेंट ब्लॉक्स लाइक B1, B2 टू BN। ओके, और जो आपकी फाइल है सपोज करो वो कहाँ रखी हुई है, आपकी जो फाइल है जो आपको रिट्राइव करनी है दैट इज इन लास्ट ब्लॉक। इस केस में वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉक सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आएगा, आपको डेटा नहीं मिला, देन सेकेंड ब्लॉक, और ब्लॉक मीन्स कॉपी ऑफ दैट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक आपका मेन मेमोरी में आएगा, थर्ड ब्लॉक मेन मेमोरी में आएगा, लास्ट ब्लॉक आपका मेन मेमोरी में आएगा। इट मीन्स आपको कितने ब्लॉक ट्रांसफर करने पड़े, दैट इज IO कॉस्ट। IO कॉस्ट मीन्स नंबर ऑफ ब्लॉक ट्रांसफर फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी। तो वर्स्ट केस में यहां कितने ब्लॉक ट्रांसफर करने पड़े आपको अपनी इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए, n, b1, b2 अप टू n। सो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू O(n). ओके, इन फाइल सिस्टम बट DBMS ने कुछ इंप्रूवमेंट किया विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग। और इस चैप्टर को हम डिटेल में रीड करने वाले हैं कि कैसे IO कॉस्ट डिक्रीज हुई। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कॉन्कुरेंसी। कॉन्कुरेंसी इन जनरल जो हायरार्की रहती है हमारे डेटाबेस की, दैट इज डेटाबेस इट्स डिवाइड इंटू डिफरेंट फाइल एंड अगेन
ईच फाइल हैज सम पेजेस, एंड ईच पेज हैज सम रिकॉर्ड्स। ओके, सो जो फाइल सिस्टम में, जो फाइल सिस्टम में लॉकिंग थी, मींस अगर आपको कोई फाइल रिट्राइव करनी है, जो लॉकिंग थी वो कहां थी? फाइल लेवल पे, फाइल लेवल पे जो लॉकिंग थी। इट मींस सपोज करो आपको और मेरे को किसी स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन रिट्राइव करना है, बट अगर आपने उस फाइल को पहले एक्सेस कर लिया तो आपने क्या किया, उस फाइल को कंप्लीटली लॉक कर दिया। मान लो आपको ये रिकॉर्ड चाहिए, मान लो आपको इस फाइल, फाइल नंबर वन के पेज नंबर वन का रिकॉर्ड नंबर वन एक्सेस करना है, और मुझे फाइल नंबर वन के पेज नंबर वन का रिकॉर्ड नंबर थ्री एक्सेस करना है। बट हुआ क्या, जैसे कि आप पहले आ गए तो आपने फाइल को लॉक किया, इट मींस अब मुझे परमिशन नहीं है, इवन दो कि मेरा जो रिकॉर्ड है वो डिफरेंट है, बट स्टिल मैं इस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि जो लॉकिंग है वो फाइल सिस्टम में कहाँ, किस लेवल पे थी? फाइल लेवल पे। बट इन केस ऑफ DBMS, बट इन केस ऑफ DBMS जो लॉकिंग है वो आप किसी भी लेवल पे कर सकते हो, वो आप किसी भी लेवल्स पे, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे कर सकते हो, DB पे, फाइल पे, पेज पे और रिकॉर्ड पे। सपोज आपने, आपको फाइल वन का पेज नंबर वन का रिकॉर्ड नंबर वन चाहिए, तो आपने इस फाइल, इस रिकॉर्ड को लॉक किया। सेम मैनर में मुझे फाइल नंबर वन के पेज नंबर वन के रिकॉर्ड नंबर वन को एक्सेस करना है, रिकॉर्ड नंबर सॉरी थ्री को एक्सेस करना है, तो मैं इस सिर्फ रिकॉर्ड नंबर थ्री को ही लॉक करूंगा। इट मींस DBMS में कॉन्करेंसी लेवल हाई था, DBMS में कॉन्करेंसी लेवल हाई था। कॉन्करेंसी मींस मोर देन वन यूजर साइमल्टेनियसली एक्सेस द फाइल और DB। ओके, बट फाइल सिस्टम में कॉन्करेंसी लेवल कम था, मींस हो सकता है आपको, आपने ये फाइल लॉक की हो और मैंने ये फाइल लॉक की हो, इट मींस कॉन्करेंसी तो है बट लेवल ऑफ कॉन्करेंसी इज लेस इन केस ऑफ फाइल सिस्टम, राइट? सो कॉन्करेंसी इज लेस इन फाइल सिस्टम, वेयर एज कॉन्करेंसी इज हाई इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी, नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। अब फाइल सिस्टम में क्या था, सपोज करो एक फाइल है, स्टूडेंट नेम, एस नेम, एस रोल नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट एड्रेस, नेक्स्ट इज स्टूडेंट कोर्स, स्टूडेंट मार्क्स। जो फाइल सिस्टम में जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, कि जो सिक्योरिटी लेवल था वो नहीं था। इट मीन जो सिक्योरिटी थी वो क्या थी, सिर्फ पासवर्ड सिक्योरिटी थी, सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड सिक्योरिटी। अगर आपको पासवर्ड पता है, इवन दो कि आप आपका कंट्रोल नहीं है इस डेटाबेस पे, बट स्टिल अगर आपको पासवर्ड पता है तो आप इस डेटाबेस में कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हो, कुछ भी डेटा इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। इट मींस सपोज करो कि एक स्टूडेंट है, एक स्टाफ है, स्टाफ मींस टीचर, एंड वन इज एडमिन डिपार्टमेंट। इट मींस सेम डेटाबेस के लिए, सेम डेटाबेस के लिए स्टूडेंट्स क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं। मान लो स्टूडेंट अपना नाम, अपने रोल नंबर एंड अपना मार्क्स, स्टाफ उसमें मार्क्स बट ये रीड कर सकता है, अपडेट नहीं कर सकता, बट स्टाफ के पास परमिशन है कि वो इसमें अपडेट भी कर सकते हैं, राइट? एंड एडमिन के पास है, वो अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, कुछ भी पावर है उसके पास। बट इट मींस मुझे हर एक लेवल पे अलग अलग सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी थी, बट फाइल सिस्टम में जो सिक्योरिटी थी वो क्या थी, सिर्फ पासवर्ड सिक्योरिटी थी। इन केस ऑफ DBMS, इन केस ऑफ DBMS विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट ऑफ व्यू वर्चुअल टेबल, जो मैंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई, दैट इज ऑफ डिफरेंट लेवल, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री। इट मींस अगर स्टूडेंट है
तो मैंने स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ रीड फाइल का ऑप्शन रखा, रीड द फाइल। बट अगर स्टाफ है तो उसके लिए सिक्योरिटी थी, यू कैन रीड द फाइल एज वेल एज अपडेट एंड अपडेट ओनली मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। एंड फॉर एडमिन डिपार्टमेंट वो कुछ भी रीड कर सकते हैं और कुछ भी राइट कर सकते हैं। इट मीन्स सेम डेटाबेस था बट जो सिक्योरिटी थी वो अलग अलग लेवल की थी। ओके सो जो बेसिक एडवांटेज था और जो फाइल सिस्टम की डिसएडवांटेज थी वो क्या थी? फर्स्ट इज फाइल सिस्टम में कोई भी इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए आपको फिजिकल डिटेल का पता होना जरूरी था। बट इन केस ऑफ DBMS इट यूजेस द कंसेप्ट ऑफ डेटा इंडिपेंडेंसी। नेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ SQL और क्वेरी लैंग्वेजेस। नेक्स्ट इज IO cost वर्स्ट केस में फाइल सिस्टम में बहुत ज़्यादा था बट इन केस ऑफ DBMS IO cost डिक्रीज हुआ। नेक्स्ट इज कॉन्कुरेंसी। फाइल सिस्टम में कॉन्कुरेंसी थी बट लेवल उसका बहुत कम था, इट मीन जो लॉकिंग थी वो फाइल लेवल पे थी बट इन केस ऑफ DBMS लॉकिंग इज इट एट एनी लेवल। नेक्स्ट सिक्योरिटी, फाइल सिस्टम में जो सिक्योरिटी थी दैट इज ओनली ऑफ पासवर्ड सिक्योरिटी बट इन द केस ऑफ DBMS वी यूज द कंसेप्ट ऑफ व्यू। ओके सो ये जो फर्स्ट चैप्टर का जो बेसिक्स है हमने रीड किया है, आप इसके नोट्स बना लेना। ओके और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे या कमेंट में बता देना बच्चे। ओके नेक्स्ट मूव टू अवर नेक्स्ट चैप्टर और सब सेक्शन। एक्चुअल में क्या था, अकॉर्डिंग टू कोड एक साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग DBMS में हमें डेटा इंडिपेंडेंसी को प्रोवाइड करवाना था। डेटा इंडिपेंडेंसी को, इसके लिए डेटा इंडिपेंडेंसी को प्रोवाइड करवाने के लिए हमारे पास कुछ लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस थी, सम लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। लाइक सपोज दिस इज माय DB डेटाबेस, उसके बाद जो डिटेल्स थी दैट इज फिजिकल स्कीमा, नेक्स्ट इज लॉजिकल स्कीमा, नेक्स्ट इज एट व्यू लेवल। ओके सो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस था, इट मींस डायरेक्ट यूजर डेटाबेस से कनेक्ट नहीं था, उसके बीच में डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस थी। डेटाबेस में एक्चुअल डेटा स्टोर था, एक्चुअल डेटा, फिजिकल स्कीमा क्या था, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लो लेवल स्कीमा, लो लेवल। और इसमें जो इंफॉर्मेशन थी वो क्या थी, हाउ डेटा फिजिकली स्टोर्ड, हाउ डेटा फिजिकली स्टोर्ड इन DB। इट मीन्स इसमें जो इंफॉर्मेशन थी वो थी कि डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर है, इट मीन्स डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन थी, दैट इज आल्सो कॉल्ड मेटा डेटा। इट मीन्स फिजिकल स्कीमा में मुझे जो इंफॉर्मेशन मिल रही है दैट इज स्टोरेज एंड एक्सेस पाथ ऑफ DB, दैट इज स्टोरेज एंड एक्सेस पाथ ऑफ DB।
कैसे? जब भी हम किसी भी टेबल को क्रिएट करते हैं तो उसे डिफाइन करते हैं। क्रिएट टेबल स्टूडेंट विथ एस आई डी, स्टूडेंट आई डी इज माई प्राइमरी की। व्हाट इज प्राइमरी की हम अभी थोड़ी देर में देख लेंगे। एंड डोमेन इज इंटीजर, लाइक एस नेम, डोमेन इज कैरेक्टर। इस टाइप से जब भी हम किसी टेबल को क्रिएट करते हैं तो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन और उस टेबल को डिफाइन करते हैं। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन मुझे फिजिकल स्कीमा में मिलेगी। नेक्स्ट इज लॉजिकल स्कीमा और कंसेप्चुअल स्कीमा। लॉजिकल स्कीमा और कंसेप्चुअल स्कीमा, इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो है व्हाट डेटा एग्जिस्ट, दैट इज व्हाट डेटा एग्जिस्ट इन दिस टेबल। बेसिकली इट इज हाइडिंग द फिजिकल डिटेल। बेसिकली इट इज हाइडिंग द फिजिकल डिटेल। इट इज हाइडिंग द फिजिकल डिटेल। सो इट ओनली गिव्स द एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, लाइक वी हैव अ टेबल ऑफ स्टूडेंट इन विच वी हैव सम एट्रीब्यूट्स लाइक एस आई डी, एस नेम, एनी रोल नंबर एक्सेट्रा। इट मीन्स लॉजिकल लेवल में सिर्फ मुझे एब्स्ट्रैक्ट डिटेल पता होगी, बट फिजिकल लेवल में कैसे डेटा स्टोर है डीबी में वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। डीबी में कितने रिकॉर्ड्स हैं, कौन सी प्राइमरी की है, कौन सा फॉरेन की है, ये कंप्लीट डिटेल मुझे फिजिकल स्कीमा में मिलने वाली है। नेक्स्ट इज व्यू लेवल। एक्चुअल में व्यू लेवल इज यूज टू प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ सिक्योरिटी। बेसिकली इट इज यूज टू प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ सिक्योरिटी। डिफरेंट लेवल ऑफ सिक्योरिटी इट मीन्स सपोज करो यूजर वन एक स्टूडेंट है तो उसे कोई अगर इंफॉर्मेशन रिट्राइव करनी है तो उसके लिए एक अलग सिक्योरिटी होगा। व्यू टू मीन्स मान लो कोई स्टाफ है तो उसके लिए एक अलग सिक्योरिटी प्रोवाइड की। नेक्स्ट इज एडमिन है तो उसके लिए एक अलग लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करी। इट मीन्स व्यू की हेल्प से, वर्चुअल टेबल की हेल्प से हमने हाइड किया डेटा को और सिक्योर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स की सिक्योरिटी को प्रोवाइड किया। इट मीन्स हमने या डीबीएमएस ने, जो डीबीएमएस का रोल होगा वो यहाँ होगा डीबीएमएस, ये कंप्लीट। ओके, तो यूजर जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स हैं, वो डायरेक्टली डीबी से कनेक्ट नहीं या इंटरेक्ट नहीं करेंगे। उनका डेटा पहले लॉजिकल स्कीमा में जाएगा, लॉजिकल स्कीमा से फिजिकल स्कीमा में, और देन इसकी इंफॉर्मेशन रिट्राइव होगी एंड देन अगेन बैक। ओके, इस लेवल से मैंने डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करवाया किसके लिए, डेटा इंडिपेंडेंसी के लिए। और डेटा इंडिपेंडेंसी क्यों जरूर थी, क्योंकि फाइल सिस्टम में हमें फिजिकल डिटेल और स्टोरेज डिटेल और लो लेवल डिटेल का पता होना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं रिट्राइव कर रहा हूँ उस फाइल की फिजिकल डिटेल की इंफॉर्मेशन मुझे पता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मैं अपना डेटा रिट्राइव नहीं कर सकता। ओके, और जैसे जैसे मेरा डीबी बढ़ा या फाइल्स, नंबर ऑफ फाइल्स बढ़ गई, मेरे एप्लीकेशंस प्रोग्राम भी बढ़ते गए और हर एक चीज़ के बारे में याद रखना बहुत मुश्किल था, राइट? तो मैंने जो कंसेप्ट यूज़ किया डेटा इंडिपेंडेंसी का, ठीक है? तो जस्ट यूजर को अपनी क्वेरी लिखनी है और लॉजिकल्स विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल स्कीमा एंड फिजिकल स्कीमा डेटाबेस से मैं वो इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करूंगा एंड वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगेन पर्टिकुलर उस स्पेसिफिक यूजर के पास पहुंच जाएगी, ठीक है? और ये सब मैंने जो काम किया वो था व्यू की हेल्प से, वर्चुअल टेबल की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल टेबल। इसको कंप्लीट हम आगे और डिटेल में रीड करेंगे, व्हाट इज व्यू। ओके, नेक्स्ट मूव टू, तो अभी तक हमने जो डिटेल जो रीड किया है दैट इज व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाई वी गो फॉर द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन फाइल सिस्टम
एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फाइल सिस्टम, व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस, राइट। सो नेक्स्ट वी मूव टू RDBMS। बेसिकली बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैं जो हमारे जो सिलेबस में है, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन गेट। ओके, बेसिकली इन RDBMS इट इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। जो भी मेरा डेटा स्टोर होगा वो किस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स इन DBMS। और बेसिकली RDBMS कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, ईच ऑफ विच इज असाइंड अ यूनिक नेम, ईच ऑफ विच इज असाइंड अ यूनिक नेम। इट मीन्स RDBMS कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ टेबल एंड ईच ऑफ विच इज असाइंड अ यूनिक नेम। लाइक अगर मुझे कोई डेटाबेस बनाना है यूनिवर्सिटी का, तो उसमें मेरे बहुत सारी टेबल्स होने वाली है, एक स्टूडेंट टेबल, एक स्टाफ टेबल, नेक्स्ट कोर्स टेबल, नेक्स्ट डिपार्टमेंट टेबल, ऐसे बहुत सारी टेबल्स हो सकती है मेरे पास। ओके, और जो भी RDBMS में जो डेटा स्टोर होगा वो किस फॉर्म में होगा, टेबल्स की फॉर्म में, राइट। सपोज करो ये एक स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल, और इसके डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, दैट इज SID, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट कोर्स, जिस भी कोर्स में वो एनरोल है। ओके, तो इन तो ये जो है ये क्या है, मेरे एट्रीब्यूट्स, इन्हें मैं क्या कहता हूं, एट्रीब्यूट। ओके, और फील्ड और कॉलम, ठीक है। सपोज करो स्टूडेंट की SID है S1, S2 एंड S3, नेम आर X, Y एंड Z, कोर्स आर CS, IT, अगेन CS। तो हर एक रिकॉर्ड को, इस टेबल में जो भी रिकॉर्ड है उन्हें मैं क्या कहता हूँ, टप्पल और रो और रिकॉर्ड। ओके, नेक्स्ट इज कार्डिनलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय कार्डिनलिटी ऑफ अ टेबल? कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। कितने रिकॉर्ड्स है मेरे पास, S1, S2, S3, सो कार्डिनलिटी ऑफ दिस रिलेशन, दिस टेबल इज 3। नेक्स्ट डोमेन, नेक्स्ट डोमेन, डोमेन और एरेटी, means number of attribute, number of attribute in a table, number of attributes are 3, that is SID, S name and S course. Next is domain, means like what are the permitted value for that particular attribute। लाइक अगर मैं SID की बात करूँ तो इसमें सिर्फ जो वैल्यू परमिटेड होगी दैट इज ऑफ टाइप इंटीजर, एंड मे बी सपोज आई विल रेस्ट्रिक्ट दैट जो भी ID होगी वो फ्रॉम 1 to 100 ही होगी। इट मीन्स अगर आपने 101 लिखा SID में तो वो अलाउड नहीं होगा। डोमेन मीन्स दैट, मीन्स सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज, राइट। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज डेटाबेस स्कीमा, डेटाबेस स्कीमा, इसे हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। डेटाबेस स्कीमा, इट इज द ओवरऑल डिजाइन ऑफ DB, इट इज द ओवरऑल डिजाइन ऑफ DB, ओवरऑल डिजाइन ऑफ डेटाबेस, राइट। और वी कैन से लॉजिकल डिजाइन,
लॉजिकल डिजाइन मींस अगर मैं स्टूडेंट टेबल की बात करूं तो इसका स्कीमा मैं कैसे डिफाइन करूंगा? वी हैव अ टेबल विद द नेम स्टूडेंट एंड लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट एस आई डी, एस नेम एंड एस कोर्स, राइट? तो दैट इज कॉल्ड द स्कीमा। स्कीमा मींस एब्स्ट्रैक्ट डिटेल, ओनली एब्स्ट्रैक्ट डिटेल। नेक्स्ट टर्म इज डेटाबेस इंस्टांस, डेटाबेस इंस्टांस मींस अ टेबल विथ सम टपल, अ टेबल विथ सम टपल, और आई कैन डिफाइन इट इज अ स्नैपशॉट, इट इज अ स्नैपशॉट ऑफ डेटा इन द डेटाबेस एट ए गिवन इंस्टांस ऑफ टाइम, एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। इट मीन्स वट? सपोज करो इस टाइम पे ये जो स्टूडेंट टेबल है इसमें मेरे पास तीन रिकॉर्ड हैं, थ्री एट्रीब्यूट्स हैं, एस वन एस टू एंड एस थ्री, एस आई डी, एस नेम एंड एस कोर्स। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे जो ये टेबल है इसे मैं कंप्लीट डिटेल्स, इस ये कंप्लीट डिटेल को मैं क्या कहूंगा? इंस्टांस ऑफ स्टूडेंट टेबल। इंस्टांस मींस स्कीमा मींस एब्स्ट्रैक्ट डिटेल, मींस एक स्टूडेंट टेबल है उसका एस आई डी, एस नेम और एस कोर्स, उसमें तीन एट्रीब्यूट्स है, एट एब्स्ट्रैक्ट डिटेल। वेयर एज डेटाबेस इंस्टांस मीन्स उस पर्टिकुलर टाइम पे उस टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं और उनकी क्या कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, राइट? सो डेटाबेस स्कीमा एंड डेटाबेस इंस्टांस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कोड रूल, कोड रूल। आरडीबीएमएस में कोड का एक रूल था, रूल क्या था? नो टू टपल्स, नो टू टपल्स इन आ रिलेशन, नो टू टपल्स इन आ रिलेशन अलाउड टू हैव द सेम वैल्यू, अलाउड टू हैव दिस सेम वैल्यू फॉर ऑल एट्रीब्यूट्स, ओके? इट मींस कोड ने ये कहा कि मेरे टेबल में दो टपल्स या दो रिकॉर्ड्स के सभी एट्रीब्यूट की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या थी? अगर दो रिकॉर्ड्स की वैल्यू सेम हो जाती है तो डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम आ जाएगी, रिडंडेंट डेटा होगा, और अगर डेटा रिडंडेंट है तो उसमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, बहुत सारी अनोमलीज हम फेस करेंगे। सपोज करो S1 स्टूडेंट जो रिकॉर्ड था, S1 नेम ऑफ स्टूडेंट इज X, कोर्स एनरोल इज इन CS, मार्क्स इज 90, और ये एक टेबल में मेरे पास सेम रिकॉर्ड की डुप्लीकेट कॉपी रखी हुई है, इट मींस रिडंडेंसी है। रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेसी ऑफ द रिकॉर्ड। अगर आपने क्वेरी को रिट्राई, अगर आपको कुछ अपडेट करना है, इसका जो SID है S1 की जगह आपको S10 करना है, तो आपको कंप्लीट डेटाबेस को देखना पड़ेगा कि क्या S1 कहीं और है तो उसे भी अपडेट करो। इट मीन्स टाइम बढ़ जाएगा आपको, रिट्राइविंग टाइम बढ़ जाएगा आपका, सर्चिंग टाइम बढ़ जाएगा। और अगर आपने नहीं किया, अगर आपने नहीं किया तो क्या आ जाएगा? इनकंसिस्टेंसी, ओके? इट मीन्स जो स्टूडेंट एक जगह तो आपने अपडेट कर दिया बट दूसरी जगह आपने नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम फेस करोगे? इनकंसिस्टेंसी की, ओके? तो मैं कैसे फाइंड आउट करूं कि मेरे टेबल में दो रिकॉर्ड के सभी एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम नहीं है? इसके लिए जो मैंने कंसेप्ट यूज किया, इसके लिए जो मैंने कंसेप्ट यूज किया वो था कंसेप्ट ऑफ की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द कंसेप्ट ऑफ की।
कंसेप्ट ऑफ की। नाउ व्हाट इज की, व्हाट इज की इज, की इज सेट ऑफ एट्रीब्यूट, की इज सेट ऑफ एट्रीब्यूट। नाउ व्हाट इज की, विद द हेल्प ऑफ की मैंने अपने रिलेशन में, अपने टेबल में डिफ्रेंशिएट किया हर एक टपल्स को। तो सबसे पहले जो टर्म आती है दैट इज सुपर की, दैट इज सुपर की। व्हाट इज सुपर की, इट इज सेट ऑफ, इट इज सेट ऑफ वन और मोर, इट इज सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट, इट इज सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई, दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल इन अ रिलेशन। ओके, इट मीन्स इट इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, बट एट्रीब्यूट मे बी एक्सट्रेजिनियस और नॉट, और मिनिमल एट्रीब्यूट। ओके, सपोज करो आपने क्या किया, फर्स्ट डे आप अटेंडेंस लेने गए और आपके अटेंडेंस में जो अटेंडेंस रजिस्टर था, अटेंडेंस रजिस्टर है स्टूडेंट का, उसमें क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और नेक्स्ट कॉलम्स हैं जिसमें उनकी प्रेजेंस मार्क की हुई है। तो आपने क्या किया, फर्स्ट डे जब आपने अटेंडेंस स्टार्ट की तो आपने स्टूडेंट की आईडी को भी कॉल किया विद नेम, लाइक रोल नंबर वन विद नेम एक्स, तो जिसका भी रोल नंबर वन था या एक्स नाम था उसने आपको रिप्लाई किया, राइट। इट मीन्स अगर आप इन एट्रीब्यूट से, लाइक रोल नंबर विद नेम एट्रीब्यूट से हर एक, बिकॉज रोल नेम, दो स्टूडेंट्स के नेम सेम हो सकते हैं बट उनकी आईडी मान लो सेम नहीं है, तो बट फर्स्ट डे आपने क्या कॉल किया, स्टूडेंट आईडी विद नेम लाइक एस वन एक्स प्रेजेंट, एस टू एक्स प्रेजेंट। ओके, इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ एस आई डी एंड एस नेम, कंबाइनिंग एस आई डी एंड एस नेम, आपने अपने टेबल के हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई किया। ओके, इट मीन्स नाउ एस आई डी विद एस नेम, एस आई डी विद एस नेम इज योअर सुपर की, इज योअर सुपर की। ओके, सो सुपर की सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट इज यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल इन अ रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज कैंडिडेट की, व्हाट इज कैंडिडेट की, बेसिकली कैंडिडेट की इज द मिनिमल सुपर की, इज द मिनिमल सुपर की। मीन्स आपको पता है कि अगर आप अकेला एस आई डी भी कॉल करते, बिकॉज एस आई डी इज डिस्टिंक्ट इन दिस टेबल, अगर आप अकेला एस आई डी भी कॉल करते तो आपको जितने भी टपल्स थे वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते थे। ओके, बट एस आई डी एस नेम से भी कर सकते हो, बट अकेला एस आई डी से भी कर सकते हो। इट मीन्स, इट मीन्स अगेन एस आई डी से भी आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, इट इज ऑल्सो अ सुपर की, बट नाउ इट इज अ कैंडिडेट की, बट नाउ इट इज ऑल्सो अ कैंडिडेट की। कैंडिडेट की मीन्स मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट, कैंडिडेट की मीन्स मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट। ध्यान रखना ये वर्ड मिनिमल है, मिनिमम नहीं है, दैट इज मिनिमल, मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट, मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच इज यूज टू डिराइव, विच इज यूज टू डिफ्रेंशिएट, विच इज यूज टू डिफ्रेंशिएट ईच टपल ऑफ द रिलेशन, ईच टपल ऑफ द रिलेशन यूनिकली। ओके, मीन्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैंडिडेट की एंड सुपर की, कैंडिडेट की इज मिनिमल सुपर की, कैंडिडेट की इज मिनिमल सुपर की। ओके, अगर मैं बात करूं एस आई डी एस नेम इज कैंडिडेट की, नो, बिकॉज ये मिनिमल नहीं है। मिनिमल मीन्स कम से कम एट्रीब्यूट का यूज करके सेम फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करना, राइट। अगर मिनिमल मीन्स व्हाट, लाइक अगर आपने एस नेम को हटा दिया, अगर आपने एस नेम को हटा दिया तो क्या आप स्टिल यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो,
अगर आपने एस नेम को हटा दिया तो क्या आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो? यस सर, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ एस आई डी आई कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल ऑफ द रिलेशन आर. ओके, इट मीन्स अगर आप किसी चीज को हटाने के बाद भी सेम फंक्शनलिटी को परफॉर्म कर सकते हो तो देन द न्यू वन इज द मिनिमल वन. ओके, बट पहले वाला ही मिनिमल नहीं था. तो सुपर कीज आइदर मिनिमल और आइदर नॉट मिनिमल, बट कैंडिडेट कीज ऑलवेज मिनिमल, ये ध्यान रखना. स्टूडेंट्स प्लीज कीप इन माइंड कैंडिडेट कीज मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट, और इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं ऑलरेडी, राइट. नेक्स्ट इज कैंडिडेट की, सुपर की, वन मोर इज प्राइमरी की, वन मोर इज प्राइमरी की. बेसिकली स्टूडेंट्स को इन तीन टर्म्स में बहुत प्रॉब्लम्स रहती है. सर व्हाट इज सुपर की, व्हाट इज कैंडिडेट की और व्हाट इज प्राइमरी की. व्हाट इज सुपर की? इट इज सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट व्हिच इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट ईच टपल ऑफ रिलेशन आर. व्हाट इज कैंडिडेट की? इट इज मिनिमल सुपर की, इट इज मिनिमल सुपर की. इट मीन्स अगर उसके उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट कुछ भी नहीं होना चाहिए. नाउ व्हाट इज प्राइमरी की? बेसिकली इट इज अ कैंडिडेट की, बेसिकली इट इज अ कैंडिडेट की विच इज सिलेक्टेड बाय डेटाबेस डिजाइनर एज द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ एज द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ आइडेंटिफाइंग टपल्स, राइट. मीन्स देखो, सपोज करो एक स्टूडेंट एक टेबल है मेरे पास, इसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं दैट इज एस आई डी, एस नेम, लाइसेंस नंबर, आधार कार्ड नंबर, एड्रेस एंड ब्रांच, एड्रेस एंड ब्रांच. तो इस केस में सपोज करो एस वन, एस टू, एस थ्री, नेम इज एक्स, वाई एंड एक्स, लाइसेंस नंबर इंडिविजुअल रहेगा कुछ भी, दैट इज एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री. आधार कार्ड नंबर इज, हर एक स्टूडेंट का आधार कार्ड नंबर अलग होगा, दैट इज वाई वन, वाई टू, वाई थ्री. बट एड्रेस सेम हो सकता है, A1, A2, एंड ब्रांच इज अगेन CS, CS, IT, राइट. तो इस केस में हम देखते हैं व्हाट इज सुपर की, व्हाट इज कैंडिडेट की एंड व्हाट इज प्राइमरी की. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कैंडिडेट की, व्हाट इज कैंडिडेट की? मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच इज यूज टू डिफरेंशिएट ईच टपल ऑफ रिलेशन आर. तो ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है इस स्टूडेंट टेबल में जिससे मैं हर एक रिकॉर्ड को, हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं? वन इज एस आई डी. अगर मैं एस आई डी को कॉल किया, मीन्स एस वन को कॉल किया, तो सिर्फ क्योंकि एस आई डी एस वन इसी अकेले की है, यूनिक है, तो यही रिकॉर्ड रिटाइव होगा. एस टू को कॉल किया तो सिर्फ ये सेकेंड वाला रिकॉर्ड ही रिटाइव होगा. ओके, सो एस आई डी इज माई कैंडिडेट की. नेक्स्ट सर, लाइसेंस नंबर इज ऑल्सो कैंडिडेट की. वाई? बिकॉज ईच स्टूडेंट हैज डिफरेंट लाइसेंस नंबर और यूनिक लाइसेंस नंबर. लाइसेंस नंबर दो स्टूडेंट का कभी भी सेम नहीं हो सकता. सो लाइसेंस नंबर इज ऑल्सो कैंडिडेट की. नेक्स्ट आधार कार्ड नंबर. सर आधार कार्ड नंबर भी दो स्टूडेंट का कभी भी सेम नहीं हो सकता. सो आधार कार्ड नंबर इज ऑल्सो कैंडिडेट की. तो इस टेबल में मेरे पास थ्री कैंडिडेट्स की हैं. वन इज एस आई डी, वन इज लाइसेंस नंबर, नेक्स्ट इज आधार कार्ड नंबर. इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं अ टेबल हैज मोर देन वन कैंडिडेट की पॉसिबल. ओके, मीन्स एक टेबल की मोर देन वन कैंडिडेट की पॉसिबल हो सकती है. नेक्स्ट मूव टू सुपर की. सुपर की इज आई कैन से कैंडिडेट की प्लस जीरो और मोर एट्रीब्यूट. जीरो और मोर एट्रीब्यूट. व्हाट इज सुपर की? इट इज सेट ऑफ एट्रीब्यूट. बट व्हाट इज कैंडिडेट की? इट इज मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट और मिनिमल सुपर की, राइट.
बट अगेन सुपर की भी किसके लिए यूज हो रही है? डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूनिकली हर एक रिकॉर्ड को। इट मीन्स क्या आप एसआईडी से इस रिलेशन के टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो? यस सर। बट क्या एसआईडी के साथ अगर आपने एस नेम को भी कॉल किया तो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा? यस सर। अगर मैंने कॉल किया एस वन तो रिप्लाई आएगा, एस टू रिप्लाई आएगा, यूनिकली रिप्लाई आएगा, एस थ्री यूनिकली आएगा। बट अगर आपने कॉल किया एस वन एक्स, अगेन यूनिकली ही रिप्लाई आएगा। एस टू वाई, अगेन यूनिकली ही रिप्लाई आएगा। क्यों? क्योंकि आप एक्चुअल में किस चीज को यूज कर रहे हो? कैंडिडेट की को यूज कर रहे हो। ओके, लाइक आपने कॉल किया एस आई डी ब्रांच, ओके, अगेन यूनिकली एस वन सी एस, सो रिप्लाई बाय एस नेम एक्स। ओके, अगेन एस आई डी, एस नेम, लाइसेंस नंबर, आपने तीनों को कॉल किया, तीनों को मिला के कॉल किया किसी स्टूडेंट को। एस वन एक्स हुज लाइसेंस नंबर इज एक्स वन, कैन आर यू प्रेजेंट? तो आंसर आएगा यस, राइट। तो व्हाट इज सुपर की? सुपर की इज कैंडिडेट की प्लस जीरो और मोर एट्रीब्यूट। नाउ मूव टू व्हाट इज इट मीन सुपर की बहुत सारी हो सकती है। इवन एक रिलेशन की बहुत सारी कैंडिडेट की हो सकती है इट, और सुपर की भी बहुत सारी। मीन्स कैंडिडेट की प्लस जीरो और मोर एट्रीब्यूट, मैं कितने भी एट्रीब्यूट ऐड कर सकता हूँ, बट मिनिमल मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? कैंडिडेट की हर एक सुपर की में। नेक्स्ट इज प्राइमरी की। नेक्स्ट इज प्राइमरी की। प्राइमरी की बेसिकली किसके लिए यूज होता है? डिजाइनर के लिए, कि मेरे पास बहुत सारी कैंडिडेट की है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है इस रिलेशन को, बट मैं कौन सी कैंडिडेट की यूज करना चाहता हूँ, मेन कौन सी की को यूज करना चाहता हूँ या कौन से एट्रीब्यूट को यूज करना चाहता हूँ मेरे डिजाइनिंग पर्पज से। सपोज करो मैंने क्या किया, एसआईडी को यूज किया, एसआईडी को, क्या एसआईडी से मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? यस सर। तो जो भी प्राइमरी की होगी वो क्या होगी? एक कैंडिडेट की होगी। बट मुझे पता है एक रिलेशन के बहुत सारी कैंडिडेट की हो सकती है, बट डिजाइनिंग पर्पज से मैंने हमेशा एसआईडी ही को ही यूज करूंगा।